जिसको ध्यान भजन में आगे बढ़ना है उसको दही लस्सी नाड़ियों को भारी करेगी, नहीं खाना चाहिए। कभी खा ली कभी कभार थोड़ी बहुत, नहीं तो फिर उसको प्राणायाम से शुद्ध करें। एक महीना लगातार प्राणायाम विधिवत करें तो सब नाड़ी शुद्ध हो जाएगी, फिर कोई भूत भूत के बाप की भी ताकत नहीं और रोग की भी ताकत नहीं कि टिके। नाड़ी शुद्धि का प्रयोग होता है, शुद्ध नाड़ी वाला को तो रिद्धि सिद्धि सफलता साधना सब हस्तगत हो जाती। अब कैसे नाड़ी शुद्धि करना है क्या करना है, इसलिए अपन दीक्षा के समय शक्तिपात कर देते हैं। तो ध्यान में बैठे तो जहां जहां नाड़ी की अशुद्धि है वहां अपने आप क्रियाएं होने लगती है, कभी कभी श्वास श्वास होने लगते हैं, तो अपने पास वो सिद्ध योग की विद्या का उपयोग कर लेते हैं। रोज नए लोग आते हैं, किस किस को नाड़ी शुद्धि की विधि बताएंगे और कितना कितना करेंगे, इसीलिए मंत्र दीक्षा देते समय प्राण उत्थान करके नाड़ी शुद्धि की, उसको सामने वाले को पता ही नहीं चले और भगवत कृपा मिल जाती। फिर ध्यान में बैठेंगे जब करते करते तो गंदा हिलेगा, ये हिलेगा, ये हिलेगा, जहां भी नाड़ी में मल है दोष है उधर की क्रियाएं आसन प्राणायाम होने लगे, फिर अपने को प्रसन्न पाएगा। फिर ओंकार का जप करके विघ्न आए ऐसा पानी भी मंत्रित करके बैठ जाए बस, ये तो साधना में रस आने लगेगा, प्रेरणाएं होने लगेगी, बहुत कुछ शक्तियां छुपी है। जैसे बीज में पूरा वृक्ष छुपा है ऐसे तुम्हारे अंदर पूरा ब्रह्मांड नायक परमेश्वर सामर्थ्य छुपा है। मरने के बाद नहीं, वर्षों के बाद नहीं, कुछ ही हफ्ताओं में 12 साल की तपस्या एक तरफ, 12 हफ्ता ये साधन आपको उनसे भी आगे पहुंचा देगा, बिल्कुल पक्की बात है। 12 हफ्ता तो क्या, आधा हफ्ता 3-4 दिन की ध्यान योग शिविर में भी कोई आ जाते तो बदल जाता है जीवन, निरोगता के कण इतने पावरफुल हो जाते हैं, फिर योग आसन करने नहीं पड़ते, अपने आप होने लगते जो आसन की जरूरत। जैसे फैट कम करना है तो भस्त्रिका किया जाता है, लेकिन किसी को पित्त की तकलीफ है वो भस्त्रिका करेगा तो उसको 2-3 साल के बाद तो बड़ी मुसीबत में पित्त रोग में बेचारे को तौबा हो जाएगी। कफ वाले के लिए ठीक है भस्त्रिका, वायु वाले के लिए, लेकिन यहां थोड़ा बहुत 10-12 प्राणायाम के ध्यान भजन के बाद में फिर ध्यान करके ईश्वर पे छोड़ दिया तो आपके जो रोग जैसे मिटाने हैं वो आसन के द्वारा प्राणायाम के द्वारा जितनी जरूरत होगी मुद्राओं के द्वारा होता रहेगा। इसीलिए इसको सलामती योग कहा, सिद्ध योग भी कहा और सहज योग भी कहा। इसी योग की महिमा ज्ञानेश्वर ने जो आपको सिखाना चाहते हूं, ज्ञानेश्वर ने गीता के 6 अध्याय में की और ज्ञानेश्वर इसी योग से महान समर्थ हुए। और ज्ञानेश्वर का कहना है कि भगवान शंभ सदाशिव अभी तक इसी योग की महानता में समाधिस्त रहते हैं। भक्त और योगी पहले आड़े टेढ़े मनमाने रास्तों से आता है, जब इस राजयोग में मुख्य मार्ग में आ जाता है फिर उसकी साधना सहज में चलने पर लगती है। ये वो साधना है, इसका बदला गुरुदेव को हम क्या दे सकते हैं, ये रुपयों से बेचा नहीं जाता। रुपयों से आपसे फीस लेके ये शक्तिपात साधना तोहीन है, अपमान है। हीरे जवाहरात 2-2 पैसे में बेचना कैसी बेवकूफी। कोहिनूर खरीदार के पास पैसे नहीं है और आप 10-10 रुपए में दे दो, 50 में दे दो, 500 में दे दो तो कोहिनूर का अपमान क्या, लेकिन कोहिनूर भी कोई माना नहीं रखता है। ये वो साधना है, कोहिनूर से भी ऐसा सुख नहीं मिल सकता है। इसीलिए गुरुओं को सच्ची पाशा कहा जाता है, सच्चा सुख।